भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज मैच का दूसरा दिन है और भारतीय टीम की पहली पारी 445 रन पर खत्म हो गई। फिलहाल इंग्लैंड की पहली पारी जारी है। दूसरे दिन का खेल 207 रन 2 विकेट पर खत्म हो गया। भारत 238 रनों से अब भी आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो गया। इंग्लैंड का स्कोर 207 रन 2 विकेट है। भारतीय टीम 238 रन से आगे है। फिलहाल इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट 133 रन और जो रूट 9 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। इस मुकाबले की पहली पारी में भारत ने 445 रन बनाए। भारत ने दूसरे दिन का खेल 326 रन से शुरू किया। भारत को दूसरी सफलता मोहम्मद सिराज ने दिलाई। उन्होंने 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर ओली पोप को आउट कर दिया। पोप 55 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने बेन डकेट के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। वह भारत से पहली पारी में अभी भी 263 रन पीछे है। बेन डकेट ने 88 गेंद पर शतक जड़ दिया। यह टेस्ट में उनका तीसरा शतक रहा। यह किसी इंग्लिश बल्लेबाज द्वारा भारत में टेस्ट में सबसे तेज शतक है। वहीं ओवरल किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा यह तीसरा सबसे तेज शतक है। एडम गिलक्रिस्ट ने 2001 में भारत में 84 गेंद में शतक जमाया था। वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने 1974 में 85 गेंद में शतक जड़ा था। इंग्लैंड ने 24 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 138 रन बना लिए हैं। पहला बेन डकेट 82 गेंद में 97 रन और ओवली पोप 35 गेंद में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी है। इंग्लिश टीम बेसबॉल की रणनीति अपना रही है। उन्हें एकमात्र झटका जैक क्राउली के रूप में लगा। अश्विन ने क्राउली को पवेलियन भेजा। इंग्लैंड ने 17वें ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा छू लिया। उसका सिर्फ 1 विकेट गिरा है। जैक क्राउली को अश्विन ने पवेलियन भेजकर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए। फिलहाल बेन डकेट तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह 65 गेंद में 73 रन और ओली पोप 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड को 89 के स्कोर पर पहला झटका लगा। ये 89 रन इंग्लैंड ने 13.1 ओवर में बनाए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जैक क्राउली को रजत पाटीदार के हाथों कैच कराया। यह अश्विन का टेस्ट में 500वां विकेट रहा। वह इस आंकड़े को छूने वाले 9वें क्रिकेटर हैं। वहीं भारत के वह दूसरे गेंदबाज और कुल मिलाकर 5वें स्पिनर हैं। कुंबले के नाम टेस्ट में 619 विकेट हैं। इंग्लैंड की पहली पारी शुरू हो चुकी है। बिना कोई गेंद खेले इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड पर 5 रन थे। दरअसल अश्विन अपनी पारी में पिच के बीच दौड़ते हुए पाए गए। भारत पर जुर्माना लगा और अंपायर जोएल विल्सन ने इंग्लैंड को 5 रन इनाम के तौर पर दिए। यह घटना भारतीय पारी के 102वें ओवर में घटी। पिच के संरक्षित क्षेत्र में अगर कोई टीम को 2 बार चेतावनी के बाद अगर तीसरी बार दौड़ते हुए पाया जाता है तो विपक्षी टीम को इनाम के तौर पर 5 रन दिए जाते हैं। इसी वजह से इंग्लैंड की पारी 5 रन से शुरू हुई। बुमराह ने पहली ही गेंद पर 9 बॉल फेंकी। ऐसे में बिना किसी लीगल बॉल के इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड पर 6 रन थे। फिलहाल जैक क्राउली और बेन डकेट क्रीज पर हैं। भारत की पहली पारी 445 रन पर खत्म हो गई। आज भारत ने 5 विकेट पर 326 रन से आगे खेलना शुरू किया और 119 रन जोड़ने में बाकी बचे 5 विकेट गवा दिए। शुरुआती आधे घंटे में टीम इंडिया ने कुलदीप यादव 4 और रविंद्र जडेजा 112 का विकेट गवा दिया था। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने ध्रुव जुरेल के साथ 8वें विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को रेहान अहमद ने तोड़ा। उन्होंने पहले अश्विन 37 और फिर ध्रुव जुरेल 46 को पवेलियन भेजा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सिराज के साथ 10वें विकेट के लिए 30 रन जोड़े। वुड ने बुमराह को आउट कर भारतीय पारी को 445 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड की ओर से वुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं रेहान को 2 विकेट मिले। जेम्स एंडरसन, टॉम हार्टले और जो रूट को एक एक विकेट मिला।